चेतावनी देने आई हूं। चेतावनी? हाँ, जो जलील हरकत तुमने की है उसके लिए चेतावनी देने आई हूं। कौन सी हरकत? अनजान मत बनो लंकेश, तुमने करण को जान से मारने की कोशिश की है। हाँ की है। सुमन, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? वो सिर्फ मेरी कोशिश है कि मैं अपना हक हासिल कर पाऊं। कौन सा हक? वही जो मेरा तुम पर है। जो हक तुम्हारी तकदीर में है ही नहीं, उसे पाने की कोशिश करना भी बेवकूफी है। बेवकूफी नहीं, जुनून है वो। और लंकेश एक बार जिसे पाने की ठान लेता है उसे हासिल करके ही रहता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पाना इंसान के बस में नहीं होता, और सुमन भी ऐसी शय है। जिद है तुम्हारी हमेशा की तरह, घमंड है तुम्हारा जो बहुत जल्द टूटने जा रहा है लंकेश की बाहों में। वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तुम जानती हो सुमन, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे भगवान से भी जंग कर सकता हूं। करण कपूर क्या चीज है? लंकेश, जब कोई इंसान तुम्हारी तरह बात करने लगता ना, तो समझ लो उसका खात्मा करीब है। कौन खत्म करेगा मुझे? तुम्हारा भाई जो कि मेरे टुकड़ों पर पलता है, या फिर तुम्हारा पति जो इस वक्त उधार की सांसें ले रहा है? सुमन, ये तो तकदीर उसका साथ दे गई, वरना इस वक्त तुम उसकी अर्थी सजा रही होती और मैं तुम्हारी डोली। ऐसा कभी नहीं होगा लंकेश, क्योंकि सुमन करण के शरीर से लगा हुआ वो कवच है जो जिंदगी भर उसका साथ देता रहेगा। भूलती हूं सुमन, उस कवच के बावजूद कुरुक्षेत्र में करण का खात्मा हुआ था। खबरदार, पति है वो मेरा, अगर उसका बाल भी बांका हुआ तो तुम खाक में मिल जाओगे। वो तुम्हें उसी दिन मिल गया था जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था। सुमन, करण ने मेरी जिंदगी की हर खुशी मुझसे छीन ली है। प्लीज प्लीज सुमन, मुझे उसकी जान लेने दो। प्लीज सुमन, मुझे उसे मार लेने दो।